हरियाणा के फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेतों पर जा रहे दो युवक खेतों में लगी कटीली तार के शिकार हो गए। कटीली तारों में गर्दन फंसने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को स्थानीय निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहाँ उसकी हालत ऑपरेशन होने के बाद अब सामान्य बताई जा रही है। बता दें कि फरीदाबाद के पल्लमगढ़ में सागरपुर गांव है, जहां पर अपने खेतों पर जा रहे दो भाई खेतों में लगी कटीली तारों की चपेट में आ गए। बाइक चला रहे प्रशांत नेहरा की मौत हो गई और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा की माने तो वह तार फेसिंग कानूनी रूप से गलत है, लेकिन किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए इसे अपने खेतों में लगाते हैं। इसे अभी तो उनके भतीजे की जान गई है और पूर्व में पशुओं तथा इंसानों की भी जान जा सकती है। विजेंद्र नेहरा का कहना है कि ये तार हटना चाहिए ताकि और कई इसका शिकार ना हो सके। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र नेहरा है। विजेंद्र जी, आपके भतीजे के संग हादसा हुआ है और आपके बेटे के संग भी, क्या है पूरी घटना? देखिए, भतीजा डेयरी से दूध लेता था, वो डेयरी से दूध लेने के लिए गया था। उसने पीछे बेटे को बिठाया डोलची पकड़ने के लिए, दूध वाले जो है वो डेयरी पे दूध में थोड़ा टाइम लग रहा था तो वो खेतों पे अपने जो फसल लगा रखी है मूंग की ज्वार की, उसको देखने के लिए आया। यहाँ रास्ते में तार फेंसिंग थी, जो किसान पशुओं को रोकने के लिए, फसल को नुकसान ना हो इसलिए तार फेंसिंग करके जो रख रहे हैं आजकल, वो फेंसिंग में उसकी बेटे की जो बाइक चला रहा था उसकी गर्दन पर वो तार फेंसिंग वाला जो तार है, कटीला तार लगा, उसके कारण उसकी दुर्घटना में ये दुखद उसके साथ घटना हुई है। और बेटे को भी गंभीर चोटें हैं, वो पीछे बैठा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कल उसका ऑपरेशन हुआ है, वैसे खतरे से बाहर है भगवान की कृपा से। लेकिन जिस तरह से भतीजे के साथ ये घटना हुई है, वो नया लड़का था, युवा था और दूधौला यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो दूधौला में है, ये बहुत दुखद घटना है। पूरे गाँव को, पूरे इलाके को बहुत दुख है इस चीज़ का। मेरा तो सब किसानों से ये निवेदन, ये अपील है कि अपने खेतों में जो तार फेंसिंग कर रखी है पशुओं को रोकने के लिए, वो पशु इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सब किसान अपने खेतों से तार फेंसिंग हटाएंगे तो। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, ऐसी घटनाएं और भी तमाम घटनाएं हो रही हैं, पशुओं को भी इससे बहुत गंभीर हालत में उनको नुकसान होता है, उनकी भी मृत्यु हो रही है। तो ये सब अपने खेतों से मेरा निवेदन है कि तार फेंसिंग को हटाएँ, पशुओं से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ये जाने जा रही हैं, ये बहुत दुखद है। और हरियाणा सरकार, भाजपा की हरियाणा सरकार ने जो नई गौशालाएँ हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 900 गौशालाएँ खोली हैं, नंदीशालाएँ खोली हैं, अवैध जो पशु हैं, गोधन हैं, उनको वहाँ से रोड़ों से पकड़ के, खेतों से पकड़ के गौशालाओं में छोड़ने का काम हुआ है, अनुदान बढ़ाया है, चारा वहाँ ठीक से मिल रहा है। तो मुझे लगता है सरकार ने भी प्रयास किया है, लेकिन किसानों को भी मिलकर इसमें प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को भी अभी और काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारा गोधन सड़कों पर और खेतों में है, उसकी रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर उपाय करना है। तो बहुत दुखद घटना ये हुई है। ठीक है, क्या नाम है आपका? बलराम जी। बलराम जी, कौन से गाँव के किसान? मलेरना के जी। मलेरना के। बलराम जी, आए दिन ये हादसे होते रहते हैं तार फेंसिंग की वजह से, तो आप पहले ये बताइए कि जो ये तार फेंसिंग करते हैं आप किसान, तो कितनी जायज और नाजायज है? ये तो नाजायज है जी। नाजायज है? हाँ जी। तो क्यों करते हैं आप तार फेंसिंग? ये गाय बाजार परेशान ना करें, इस वजह से मजबूरी है हमारी भी, क्या करें, सरकार कुछ करे। ये पशु आपको नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, क्या बढ़ जाते हैं, काफी नुकसान करते हैं, खेतों में घुट जाते, खेतों में घुट जाते हैं। क्या नाम है आपका? रामवीर जी। रामवीर जी, कौन से गांव के किसान हैं? ये मलेरना गांव से हैं जी। मलेरना गांव से हैं। ये जो तार फेंसिंग करते हैं खेतों में, ये जायज है या नाजायज है? नाजायज है जी वैसे तो ये, पर अच्छा ये हमारी मजबूरी है जी, अब ये फसल है जो हमने लगा रखी है, ये आवारा पशुओं से बचाने के लिए हमें लगाने पड़े मजबूरी में, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे जो ये आवारा पशु है ये थोड़ा कम हो, हमें कुछ राहत मिले।